लाख यत्न कर ले आध्या, मगर अब अनुज अपनी अनुपमा को इस मुसीबत में अकेले छोड़कर नहीं जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज फिर आध्या ने एक और कोशिश की कि अनुज को लेके वो वापस अमेरिका चली जाए, मगर अनुज ने बहाने से आध्या को टाल दिया, क्योंकि असल वजह क्या है वो अनुज अच्छी तरह से जानते हैं। डिम्पी तो असल वजह है ही नहीं, असल वजह जो है वो है अनुपमा, और अनुपमा है इस समय मुसीबत में, और अनुज का यहाँ होना बड़ा ही जरूरी है। और अगर ये डायरेक्ट बात आध्या को पता चले तो आध्या जो है बहुत ही ज्यादा अपने आप को शो ऑफ करेगी, पैनिक अटैक और वो सब चीजें कि मुझे अभी का भी जाना है। इसलिए अनुज आध्या को झूठ बोलते हुए नजर आ रहे हैं। तो बात करते हैं पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। आध्या नहीं चाहती है कि अनुज अनुपमा एक हो, इसकी वजह बहुत सारी है। उसका अपना एक पास्ट है आध्या का, जो सिर्फ आध्या को ही पता है, और इस कोशिश में लगी रहती है आध्या कि अनुज और अनुपमा ना मिले, क्योंकि अनुपमा से अनुज कितना प्यार करते हैं ये आध्या महसूस कर चुकी है। और श्रू और अनुज आपस में प्यार नहीं करते हैं, ये वन साइडेड प्यार है, ये भी आध्या देख चुकी है। अब यहां पे सवाल ये उठता है कि आध्या ये कोशिशें क्यों कर रही है बार बार। एक बच्ची है और बच्ची जिस तरह से चीजों को कर रही है वो बच्चे वाली हरकतें नहीं लग रही है। अब अगर बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये बच्ची आध्या जिसको इंपॉर्टेंस चाहिए थी उसको वो इंपॉर्टेंस भर भर के मिली अपने पॉप से। उसके पॉप ने दुनिया को छोड़ दिया, अपनी अनुपमा को छोड़ दिया आध्या के लिए, छोटी के लिए सब कुछ छोड़ दिया। आध्या ने कहा आई हेट मम्मा, तो उसने भी माना कि यस अनुपमा हेट के ही काबिल है, जबकि वो अनुपमा से बे इंतहा प्यार करता था। तो आध्या को पॉप पूरी तरह से मिले, ज्यादा ही मिले, बोनस में ही मिले, जिसकी वजह से आध्या आज बिगड़ी हुई बच्ची है। इतनी पैम्परिंग आध्या को मिली कि अब वो अपने पॉप को किसी के साथ बांटना नहीं चाहती है। श्रू के लिए उसको बिल्कुल क्लियर है कि श्रू प्यार करती है पॉप श्रू से, मेरे से बाद प्यार करेंगे अगर फ्यूचर में किया तो, मगर पॉप सिर्फ मेरे ही इर्द गिर्द घूमने चाहिए, ये आध्या चाहती है। अब उसको इसमें सबसे बड़ा खतरा सिर्फ अनुपमा लगती है। मदर वाला ट्रॉमा है डेफिनेटली, वो जो कहती है उसमें जो अभी अनुपमा ने एक अलग एंगल दिया है सोचेगी जो भी चीज है, मगर ये वाला जो है ना इंपॉर्टेंस वाला जो उसके अंदर बैठा हुआ है कि मेरी मॉम ने इंपॉर्टेंस नहीं दी, मेरे फादर ने दी है, तो मैं अपने फादर की इंपॉर्टेंस को अपने हाथों से जाने नहीं दूंगी। इसीलिए ये जो चीजें हो रही हैं आध्या बार बार कर रही है, अपने पॉप को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है, बार बार यहां से भागने की बात कर रही है, सिर्फ इसलिए कि पॉप मेरे हाथ से ना जाए। अब यहां पे अनुज का डिफरेंट एंगल है, वो यहां पे डिम्पी के कारण पूरी तरह से नहीं है कि डिम्पी की शादी इसलिए मुझे यहां होना चाहिए। यहां पे वनराज का सवाल बिल्कुल सही था कि इतनी डिम्पी की चिंता है, इतनी थी चिंता तो कहां था 5 साल, क्यों नहीं पता लिया डिम्पी का, उसके बेटे अंश का, जबकि समर की हत्या का कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल तो अनुज ही था, तो क्यों नहीं पूछा डिम्पी कैसी, क्यों छोड़ के चला गया सब कुछ यहां पे, तब बेटी कहां थी। बिल्कुल सही सवाल था वनराज का, उसमें कोई गलत नहीं था। तो इसका मतलब साफ है कि अगर 5 सालों में उसने ये नहीं किया तो अनुज के लिए तो ये भी क्लियर था कि मैंने 5 साल से अपनी अनुपमा को भी नहीं पूछा। इसीलिए अब अनुपमा सामने आई है तो, और अनुपमा मुसीबत में है तो अनुज अपनी अनुपमा को कैसे छोड़ के जाए, वो तो अपनी बेटी से भी झूठ बोलेगा क्योंकि बेटी का भला उसमें है। बेटी को अगर सच बोलेगा कि मैं अनुपमा को ढूंढ रहा हूं तो बेटी तो भड़क जाएगी, अभी का अभी चलो। तो ये पूरा का पूरा अनुज आध्या और अनुपमा का रिश्ता कुछ इस तरह से उलझा हुआ है। अनुपमा अपनी जगह पे क्लियर है, क्लियर डिसीजन ले चुकी है, मगर अनुज के कंफ्यूजन की वजह से इसको मैं इस तरह से भी देखूं कि अनुज गट्स नहीं लेके आ रहा। उसको पता नहीं क्यों ये डर है, जैसे आध्या को डर है कि मेरे पॉप मेरे हाथ से चले जाएंगे, वैसे अनुज को डर है कि मेरी बेटी मुझसे छिन जाएगी।
इसलिए मैं उसके सामने सच्ची नहीं बोलता। मगर बेटी भी ये बात जानती है कि अनुज अनुपमा के लिए यहाँ पे है, और अनुपमा तो ये जानती ही है और अनुज तो ये बात जानता ही है, सब जानते हैं ये बात। तो इसीलिए इस पूरे के पूरे जो सीन हुआ था आध्या और अनुज के बीच में, जिसमें आध्या ये कहती हुई नजर आए कि हमें अब यहां से जाना चाहिए, हमने फैसला लिया था, जो भी है, तो ये जो हुआ है इसका कोई असर अनुज पे नहीं है। अनुज ने अपने तरीके से आध्या को समझा दिया है कि बीच में शादी छोड़ के जाएंगे तो गलत होगा, वो लोग भी दिखा दिए हैं कि जो पॉजिटिव हैं। और अब देखना यह है कि अब जो मुसीबत आई है जिसमें अनुपमा अब अकेली खड़ी है, उस मुसीबत में अनुज कहां तक इसका साथ दे पाता है, क्योंकि मुझे तो लगता है कि एंड तक देगा, मगर आध्या अगर नहीं सुधरी तो मुश्किल हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से तो अनुज अब अपनी अनुपमा को इस मुसीबत से निकाल के ही जाएगा, या साथ लेके ही जाएगा, या यहां पे ही रहेगा, क्योंकि हालात कुछ इस तरह से बनते हुए नजर आ रहे हैं। बाकी देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे किरदार सुनते हैं और फिर बदलते नहीं हैं, इसलिए थोड़ा सा डाउटफुल सिचुएशन रह जाती है। तो लेट्स सी क्या होता है, क्या कहते हो आप, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.